Hey guys, welcome to Learn and Achieve YouTube channel. इस वीडियो में हम NDA 2 2019, CDS AFCAT 1 2020 exams के लिए important questions को देखेंगे. ये question Indian polity, history, geography और different section से होंगे. वीडियो को start करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को एंड तक देखें. इन विच ईयर फर्स्ट सेंसस वॉज कंडक्टेड इन इंडिया? ऑप्शंस है 1856, 1873, 1872 और 1889. इसका करेक्ट आंसर है 1872. उस समय इंडिया में वायसराय थे लॉर्ड रिपन. क्या आपको पता है इंडिपेंडेंस के बाद से रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है उसे सेंसस कराने का जिम्मा दिया गया है और हर 10 साल में सेंसस होते हैं और सभी सेंसस को 1948 सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर कराया जाता है. Who was the first Attorney General of India? Options है Niren Day, L.N. Sinha, M.C. Sethalwad और K. Parasaran. इसका correct answer है M.C. Sethalwad जो देश के पहले Attorney General of India थे. India के present Attorney General है K.K. Venugopal जो India के 15th Attorney General है. इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है सॉलिसिटर जनरल. इंडिया के करंट सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता. सॉलिसिटर जनरल सबॉर्डिनेट होता है अटॉर्नी जनरल का. इंडिया के पहले सॉलिसिटर जनरल थे सी के दफ्तरी. हु अमोंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इन इंडिया? इनमें से प्रमुख कौन है जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शंस है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हास्टिंग. इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली. क्या आपको पता है 1798 में हैदराबाद पहला स्टेट बना था जिसने सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट किया था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया? मुगल डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे इंडिया में? ऑप्शंस है अकबर, बाबर, औरंगजेब, हुमायूं. इसका करेक्ट आंसर है बाबर. 21 अप्रैल 1526 को बैटल ऑफ पानीपत होती है जिसमें बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है और उसी के साथ मुगल डायनेस्टी का फाउंडेशन होता है इंडिया में. क्या आपको पता है बाबर नामा किसने लिखा था? उसे लिखा था बाबर ने. हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? ऑप्शंस है हुकुम सिंह, जी वी मावलेंकर, के एस हेगड़े, एम ए अयंगर. इसका करेक्ट आंसर है जी वी मावलेंकर. इंडिया के करंट स्पीकर हैं लोकसभा के ओम प्रकाश बिरला जो देश के 17वें लोकसभा स्पीकर हैं. ओम प्रकाश बिरला सांसद हैं कोटा राजस्थान से. T18 वंदे भारत एक्सप्रेस कहां मैन्युफैक्चर हुई है? ये रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में थी. इसके ऑप्शंस हैं पेरम्बूर, वाराणसी, चितरंजन या कपूरथला. इसका करेक्ट आंसर है पेरम्बूर. ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में है जो चेन्नई तमिलनाडु में है जिसने ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस को मैन्युफैक्चर किया है. इसके अलावा वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री है और रायबरेली में मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री है. चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स आसनसोल वेस्ट बंगाल में है. विच वाटर बॉडी सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? इसके ऑप्शन है 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल या पार्क स्ट्रेट. इसका करेक्ट आंसर है 10 डिग्री चैनल. अंडमान और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है. 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है मिनिकॉय और लक्षद्वीप को. 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है मिनिकॉय और मालदीव्स को. इन इंडिया लोकल गवर्नमेंट इज अ सब्जेक्ट ऑफ रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट.
इसका करेक्ट आंसर है स्टेट लिस्ट। सेवेंथ शेड्यूल में पावर का डिवीजन बताया गया है यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में। यूनियन लिस्ट के अंदर 100 सब्जेक्ट्स आते हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर 61 सब्जेक्ट्स आते हैं और कंकरेंट लिस्ट के अंदर 52 सब्जेक्ट्स आते हैं, और ये कवर किया गया है आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू नॉमिनेट टू एंग्लो इंडियंस टू लोकसभा? आर्टिकल 331, आर्टिकल 343, आर्टिकल 352 या आर्टिकल 112? इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 331। ये आर्टिकल राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को पावर्स देता है दो एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में नॉमिनेट करने के लिए। एट प्रेजेंट लोकसभा में 545 मेंबर्स चुने जाते हैं, जिनमें से 530 स्टेट से आते हैं, 13 मेंबर्स यूनियन टेरिटरी से आते हैं और दो को राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी? ऑप्शंस है अजात शत्रु, बिंबसार, अशोका, मुंदा। इसका करेक्ट आंसर है बिंबसार। इंडिया के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? ऑप्शंस है एच जे कनिया, एम पतंजलि शास्त्री, एम सी महाजन, बी के मुखर्जी। बी के मुखर्जी। इसका करेक्ट आंसर है एच जे कनिया। और करंट चीफ जस्टिस हैं रंजन गगोई। सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? इंडिया में ऑप्शंस है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। इंडिया में 9 स्टेट्स हैं जिनके पास कोस्ट लाइन है, वो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। गुजरात स्टेट की कोस्ट लाइन की लेंथ है 1214.7 किलोमीटर। उसके बाद है आंध्र प्रदेश की, जिसकी कोस्ट लाइन लेंथ है 973.7 किलोमीटर। तमिलनाडु, उसकी कोस्ट लाइन है 906.9 किलोमीटर। महाराष्ट्र की कोस्ट लाइन है 652.6 किलोमीटर। विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड्स? ऑप्शंस हैं म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया। इसका करेक्ट आंसर है म्यांमार। विच अमोंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेट अप इन इंडिया इन ईयर 1687? ऑप्शंस हैं बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसका करेक्ट आंसर है मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। विच रिवर इन इंडिया क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? ऑप्शंस हैं नर्मदा, ताप्ती, माही, गोदावरी। इसका करेक्ट आंसर है माही रिवर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 स्टेट से पास होती है, ये हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड और मिजोरम। हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? इसके ऑप्शंस हैं टी एन सेशन, सुकुमार सेन, एस पी सेन वर्मा, बी बी टंडन। इसका करेक्ट आंसर है सुकुमार सेन। और करेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुनील अरोरा, जो इंडिया के 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त वॉज क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच स्टेट? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। विच स्टेट फर्स्ट एस्टैब्लिश पंचायती राज? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार। इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। और राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंचायती राज इंडिया के 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया था, जिसे 1992 में लाया गया था। साथ ही पंचायती राज को 11th शेड्यूल में रखा गया है। और पंचायती राज को बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। हु
acts as the ex officio chairman of Rajya Sabha. Rajya Sabha ka ex officio chairman kaun hota hai? Options hai President, Rashtrapati, Vice President, Uprashtrapati, Attorney General of India, Chief Justice of India. Iska correct answer hai Vice President. Aur current ex officio chairman hai Rajya Sabha ke M. Venkaiah Naidu, jo India ke Vice President bhi hai. India ke pehle Vice President the Sarvapalli Radhakrishnan. क्या आपको पता है इंडिया में हर साल 5 सितंबर को हम टीचर्स डे मनाते हैं. इस दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है. क्या आपको पता है राज्यसभा का जो टर्म होता है वो 6 साल का होता है और हर 2 साल में 1/3 ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा के वो रिटायर होते हैं. राज्यसभा को कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता जैसे लोकसभा को किया जा सकता है. A computer program that converts assembly language to machine language. Options hai comparator, assembler, interpreter, compiler. Iska correct answer hai assembler. Article 360 is related to options hai national emergency, financial emergency, state emergency or none of the above. Iska correct answer hai financial emergency. India mein नेशनल इमरजेंसी होती है आर्टिकल 352. स्टेट इमरजेंसी जिसे प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है वो होती है आर्टिकल 356. व्हिच आर्टिकल डील्स विद अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. ऑप्शंस है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17. इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 17. आर्टिकल 17 कहता है abolition of untouchability and prohibition of its practice. Article 14 kehta hai equality before law and equal protection of laws. Article 15 kehta hai prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Article 16 kehta hai equality of opportunity in matters of public employment. ये सभी आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के पार्ट हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक. हु वाज द वाइसरॉय व्हेन द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस. ऑप्शंस हैं इरविन, मिंटो, हेस्टिंग और चेम्सफोर्ड. इसका करेक्ट आंसर है चेम्सफोर्ड. 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था. 1919 में ही मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी आया था जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से जाना जाता है. उस समय वाइसरॉय थे चेम्सफोर्ड और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मोंटेग. इस एक्ट में बाइकैमरलिज्म का इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में और डायरेक्ट इलेक्शन. Which among the following groups of article covers fundamental rights? Article 36 to 51, Article 1 to 4, Article 12 to 35, Article 5 to Article 11. इसका correct answer है Article 12 to Article 35, जो Part 3 of Indian Constitution में है. Article 1 to Article 4 cover करते हैं Union and Territory और ये Part 1 में है. आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 कवर करते हैं सिटीजनशिप. ये पार्ट 2 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को कवर किया गया है. ये पार्ट 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड. ऑप्शंस हैं डेक्कन प्लेट्यू, तिब्बतन प्लेट्यू, लॉरेंशियन प्लेट्यू, पैटागोनिया प्लेट्यू. इसका करेक्ट आंसर है तिब्बतन प्लेट्यू. डेक्कन प्लेट्यू इंडिया में है, लॉरेंशियन प्लेट्यू नॉर्थ अमेरिका में है, पैटागोनिया प्लेट्यू साउथ अमेरिका में है. वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नॉन अलाइंड समिट हेल्ड. ऑप्शंस है बेलग्रेड, न्यू दिल्ली, हवाना और कायरो. इसका करेक्ट आंसर है बेलग्रेड. बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है. 2019 में नॉन अलाइंड मूवमेंट की समिट होंगे अजरबैजान की राजधानी बाकू में. शैडो कैबिनेट इज द फीचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन.
ऑप्शंस है यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, फ्रांस और जर्मनी। इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। दी यारलुंग सैंगबो रिवर इन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शंस है ब्रह्मपुत्र, गंगा, कोसी, इंदस। इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र। क्या आपको पता है जब ब्रह्मपुत्र रिवर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तब उसका नाम होता है सियांग, और ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम बांग्लादेश में पद्मा है। विच सिटी हाउस द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ऑप्शंस है न्यूयॉर्क, जनेवा, वियना, टोक्यो। इसका करेक्ट आंसर है वियना। वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। वेयर इज द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। ऑप्शंस है कटक, ऑप्शंस है कटक, कानपुर, बेंगलुरु, कोयम्बतूर। इसका करेक्ट आंसर है कटक। लार्जेस्ट टेंपल इन द वर्ल्ड। ऑप्शंस है अंकुर वट, कामाख्या टेंपल, पशुपतिनाथ टेंपल, बृहदेश्वरा टेंपल। इसका करेक्ट आंसर है अंकुर वट। ये टेंपल है कंबोडिया में। With this, I would like to end this video. आशा करता हूँ ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।